हाँ भाई लोगों, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज सोशल मीडिया पे फेसबुक पे एक खबर चल रही है कि किसी भाई ने, एक सुदर्शन गहलोत जी ने एक पोस्ट की है जिसमें लिखा है कि कुछ कुत्ते दो रोटी मिलने पर कहीं और चले जाते हैं, दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। तो मैं मतलब सुदर्शन भैया से ये बात कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा ठेस तो मेरे को इस चीज़ का लगा कि आप कलाकार की कोई इज्जत नहीं करते हो। दूसरा ठेस इस चीज़ से लगा है कि आपने जो कुत्ता वर्ड यूज़ किया बहुत गलत है। तो दूसरी कंपनी में हर कोई कलाकार काम करता है, जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसा काम करता है, और मैं कुछ सोच के ही दूसरी कंपनी ज्वाइन की है कि मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को और ज़्यादा हंसाऊं, और मेरा तो काम हंसाना है और मैं लोगों को और ज़्यादा एंटरटेनमेंट करूँ। तो मैं चाहता था कि मैं कुछ नया करने के लिए ही, या कुछ ऊपर बढ़ने के लिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि मैं आगे ना बढ़ूं, उन भाई लोगों से भी निवेदन है। तो ये जो कुत्ता वर्ड यूज किया बहुत गलत है, ये केवल मेरे लिए नहीं है, मैं तो कोई बात नहीं, मैं अपने आप को मतलब इतना वो मानता भी नहीं हूँ बड़ा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, कुछ नहीं, मैं अपने काम पे ध्यान देने वाला इंसान हूँ और मैं अपने फैंस लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मेरे को इस चीज से लेना देना भी नहीं है। लेकिन मेरे पास सुबह से बहुत से लोगों के फोन आ रहे हैं, मेरे पास कलाकार भाइयों के भी फोन आ रहे हैं कि पंकज भैया अगर इस चीज को आपने नहीं कहा, क्योंकि ये हम सब कलाकारों के लिए गाली है, तो अगर पंकज भाई आप नहीं बोलोगे और हम अकेले बोलेंगे तो यूं बोला जाएगा कि जिसको कहा है उसको तो उसने तो कुछ बोला ही नहीं। तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ऐसी पोस्ट है ना करें, अगर कुछ, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा किसी के साथ कुछ नहीं किया, ना करता हूं ना करूंगा, किसी के साथ गलत नहीं है, और कुछ देख के ही आया हूं। अभी ये बात भी रही थी, दूसरी ये बात रही थी, जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसा ही कर सकता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। पीआरजी चैनल के 10 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए, बहुत बहुत मतलब बधाई हो उनको कि पीआरजी चैनल के 10 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए। मुझे अपने मुंह से कहने की जरूरत नहीं है, ये कमेंट्स बता रहे हैं और ये चीजें मतलब मेरे फैंस लोग सब जानते हैं कि ये चीजें क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। बस मैं अपने फैंस लोगों से बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, और मैं गलत नहीं हूँ, और मैं यूं भी नहीं कहना चाहता कोई और गलत हो, लेकिन मैं अपने आप को कहना चाह रहा हूँ मैं गलत नहीं हूँ, और मैं केवल यही चाहता हूँ कि आप मुझसे खुश रहें और मैं आपको और ज्यादा हंसाऊं, नए वीडियो लेके आऊं। बस मेरे को इस चीज से प्रॉब्लम है कि जो सुदर्शन जी गहलोत के नाम से जो आईडी है उस पे एक भद्दा और सबसे गंदी पोस्ट थी वो, जिसपे लिखा हुआ था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिन कुत्ते की तरह हो गए हैं, जिनको दो रोटी ज्यादा मिलती है वहां चले जाते हैं। भाई साहब, ऐसा कोई भी कलाकार नहीं है जो दूसरी कंपनी में काम नहीं करता, हर कलाकार ऐसा है जो एक दूसरी कंपनी में काम करता है। और मैं मतलब ये चीजें मैं अपने मुंह से भी नहीं कहूंगा कि लोग समझते नहीं है, लोग सब कुछ समझते हैं, और लोग समझते हैं इसलिए कार्यवाही कर रहे हैं, और लोग कार्यवाही करेंगे। तो मैं चाहता हूं जो आपने ये जो वर्ड बोले हैं, इन वर्ड्स को वापस लो, और मैं ये नहीं चाहता कि मैं तो छोटा हूँ, कोई बात नहीं, मेरे को तो आपने बोल दिया, लेकिन जो कलाकार भाई है ना उनको ये गलत लगा है, तो कलाकार भाई भी मेरे सपोर्ट में हैं, और आप उनको माफी बोलें, आप उनको सॉरी बोलें जो आपने गलत किया है। तो भाई लोगों, बाकी सब मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, और वैसे मेरे को इस चीज पे मैं ध्यान देता नहीं हूँ, फ्रेश माइंड हूँ पप्पी, मतलब बहुत जल्द आप वास्ते नए वीडियो भी लेने आ रहे हैं। कोई बात नहीं, हाथी चलता बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। जी, हम तो आगे बढ़ेंगे, आप लोगों के प्यार की वजह से ही आज मैं इस मुकाम तक हूँ, और कुछ लोगों को ये जलन है कि आज पंकज से पपियो बनने में, मतलब मैंने जो 1.5 साल 2 साल स्ट्रगल किया ना, मैंने मतलब दिल से स्ट्रगल किया था, और मैंने सोच लिया था कि हाँ इस मुकाम तक पहुंचना है, और उस मुकाम तक पहुंचा हूं, और अब जो सोचा है उस मुकाम तक पहुंचने का वो भी पहुंचूंगा आप लोगों के भाई लोगों के प्यार की वजह से। लेकिन ये है कि भाई लोगों थे ही थोड़ा ध्यान रख वो करो मारो थे ध्यान रखो धनी तो आत्मविश्वास बढ़े मारो और बढ़ भी रही है, तो अच्छा ही किया है मैंने। बहुत जल्द वीडियो री, टेंशन मत लो, वीडियो पपिया कहने गणी है ना, गणी लान ठेकी ब्याह तो कराई मारो, कोई नहीं कोई ना कोई तो कराई, ओ काको नहीं तो दो बुजोड़ो काको कराई ब्याह तो होन रहे इन पपियारो। और तो बस ये बात मैं सोशल मीडिया के थ्रू और फेसबुक लाइव आके बोलने का कारण था, और मैं फेसबुक लाइव मॉर्निंग में आने वाला था, लेकिन भाई लोगों ये भी बता दूं कि मेरी कंपनी फेरबदल के बाद किसी ने मेरी फेसबुक आईडी हैक कर ली थी। तो फैंस लोगों का इतना आशीर्वाद है कि राजस्थानी लोग विदेश में भी बैठे रहते हैं, तो विदेशी लोगों ने मेरी फेसबुक आईडी वापस ऑन कर दिया, तो उनको भी थैंक यू वेरी मच। तो फेसबुक आईडी हैक करने रो मतलब वो नहीं है कि मतलब आप ये चाहते देखते हो कि फेसबुक आईडी हैक करने से मेरा डाउन हो जाऊं, मैं डाउन हो जाऊंगा, फैन लोग आ रहे माइंड में घुसियोड़ो है पपियो, तो वह बाहर निकालने की कोशिश मत करो ना वो निकलेला,
इतनी तो मतलब इतना वो मतलब पंकज भाई फुल सपोर्ट है आपके। थैंक यू वेरी मच पीर साहब, थैंक यू, वेलकम पीर साहब, राम राम जी, राम राम। तो अभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो ये मेरी जो बात है सब कलाकारों तक पहुंच पाए। और ये सब मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ भी नहीं करूंगा, ये सब तारीफ हैं, ये सब वीडियोस वगैरह जो भी आए। अभी एक चैनल से वीडियो भी अपलोड हुआ था कि 10 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, उसमें मेरा फोटो नहीं था, बोला कि मतलब मैं भी ये नहीं मानता चाहे मैंने कंपनी छोड़ दी है लेकिन 2% 1% तो मेरा भी हिस्सेदारी थी उसमें, उन 10 लाख सब्सक्राइबर होने में। तो एक फोटो ने तो नाम ही गाल देता, और नाम गालने की जरूरत ही नहीं है शाह आपने, लेकिन जनता तो सब जानती है, जनता जानती है, तो हम डरते नहीं है किसी से, जनता जानती है वहां तक सीमित है। लेकिन मैंने किसी के साथ मतलब सामाजिक विज्ञान भी नहीं की और लोग मेरे साथ गणित कर रहे हैं, तो उनसे हाथ जोड़ के विनती है, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, ना आप मेरा बुरा चाहो, बस यही है। और बुरा हमारा होगा भी नहीं, मारो बुरो इन वास्ते नहीं वेला, क्योंकि आज 10 लाख लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है, तो ऐसा सोचो भी मत, हमारा जो बुरा करता है उसके साथ ही बुरा होता है। तो हाथ जोड़ के विनती है, मैं तो मतलब कुछ ये भी नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैं दादागिरी नहीं करूँ, आप हाथ जोड़न विनती है कि प्लीज ऐसी चीजें मत करो, मैंने किसी के साथ नहीं की तो आप भी मेरे साथ मत करो। किसी से कमेंट से कुछ तो कह रही होता है, मैंने डायरेक्टली मतलब कुत्ता कह रहे हो, मैंने आपको कभी इज्जत दी है, आज कंपनी छोड़ने के बाद भी इज्जत देता हूँ और हाथ जोड़ता हूँ, कहीं मिलोगे तो पांव छूंगा, क्योंकि मैं मेरे परिवार ने ये संस्कार दिए हैं। तो सुदर्शन जी, गहलोत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कलाकारों को गाली मत दो और जितना हो सके वापस माफी मांगो प्लीज सर, थैंक यू वेरी मच। और भाई लोगों, इस बुधवार काका भतीजा देखना ना भूलें, इसी बुधवार मॉर्निंग सुबह 7:30 बजे, लेकिन सुराना फिल्म स्टूडियो। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, अगर मैंने कोई गलती की है या मैंने कोई गलत बोला है तो आप मेरे को फोन कांटेक्ट करके बता सकते हो, और मैंने अगर बिल्कुल भी गलत बोला हो तो। बाकी फैंस लोग सब जानते हैं, कमेंट्स बता रहे हैं इस चीज का कि आज मैं तो तय समझना जानो, तो थैंक यू वेरी मच। जो मैंने कहा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई लोगों, जो पिछले वीडियो को आपने थैंक यू वेरी मच बहुत सारा शेयर किया, 500 लोगों ने शेयर किया उसको, तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को 1000 लोग शेयर करें और कलाकारों की बेइज्जती हम सहन नहीं करते। थैंक यू वेरी मच, राम राम साहब। तो आप कहीं पे भी रुकने वाले नहीं, और जितने भी इल्जाम मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं वो सारे झूठे इल्जाम हैं, और सब अपनी दुकानदारी अपनी रोटी चलाने के लिए ये फर्जी काम शुरू कर दिया इन लोगों ने। उनके पास बोले तो काम तो है नहीं, अब करे क्या, अब जिसके पास काम नहीं होगा वो क्या करेगा, फालतू का बैठा बैठा हमारी सबकी पोस्टें चेक करेगा, हमारी आइडिया चेक करेगा, हमारे वीडियो चेक करेगा, हमारी कॉमेडी चेक करेगा, ये सब चेक करके उसमें से कोई ना कोई कमियां निकालना और पब्लिक के सामने मतलब अपने आप को हीरो जाहिर करना, ये अब खूबी हो गई है इन लोगों की। नवीन गहलोत साहब, यार कुछ नहीं बा यार कोई लोगों को मतलब गलत कुछ लोगों की गलत सोच होगी भैया, और तो कुछ नहीं। हाँ भाई साहब, कॉमेडी वैसे की वैसी आएगी साहब, कॉमेडी नहीं रुकेगी। काका भतीजा गुरुवार को सुबह वही मॉर्निंग टाइम, आप सब जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्यार जी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और रही बात कलाकारों की, उनसे तो मैं हमेशा वैसे भी हाथ जोड़ते ही हूँ और उनका सबका छोटा बच्चा ही हूँ, उनसे बढ़ के तो मैंने तो कभी कुछ आगे किया भी नहीं है। और जो मेरा नाम लेके मार्केट में अपनी दुकानदारी पब्लिसिटी कर रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया करके ओ यू 199 का रिचार्ज करवा के निकम्मे बैठे हैं, उनका यही काम है। हाँ भाई साहब, भूमिका जी पाटिल साहब, आपने ये बात खरी कह दी है, या तो वो 199 का रिचार्ज करा के बैठे हैं या फोकट का कोई वाईफाई लेके बैठे हैं, वाईफाई से नेट ऑन किया, वीडियो चेक करना, पोस्टर चेक करना और अपनी दुकानदारी करने के लिए ये कौन सी हद तक जाते हैं ये लोग, भगवान करे उनकी आत्मा को शांति दे, जीवते हैं कोई।
मैं तो सीधा बोलता हूँ। और सुदर्शन गहलोत को कोई काम होगा, किसी से को कुछ कहना होगा, सुदर्शन इतना डरपोक नहीं है। क्या सुदर्शन कोई फेसबुक द्वारा या फेसबुक का सहारा लेगा या बोले तो इंस्टाग्राम का सहारा लेगा? सुदर्शन कुछ भी बोलना होगा ना, किसी से भी बोलना होगा, तो वो डायरेक्ट फोन करने की औकात रखता है, पीठ पीछे किसी का कहता नहीं है, जो कहता है मुंह पे कहता है। और मेरे से जो भी मिलना चाहे मेरे नंबर ले लो, जहाँ बुलाना चाहे वहाँ आने के लिए तैयार है, हम डरने वाले हैं नहीं। और ऐसी कोई गलती की नहीं है जिससे हम मेरे को और मेरी कंपनी को मेरा सिर नीचे झुकना पड़े।